नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कौशल और आप सबके एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि कार के कंट्रोल्स को कैसे कंट्रोल्स करते हैं, मतलब हैंड और फुट से कार को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इस रिलेटेड पे मैंने वीडियो बनाया था। तो दोस्तों, आज आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं कि कार के एडजस्टमेंट को कैसे करता है। जैसे आप कार को चलाने से पहले आपको कार के बहुत सारे ऐसे चीज़ है कि आपको एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी रिलेटेड पे आज आप लोग को वीडियो बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कार के कंट्रोल्स को तो सीख ही गए हैं, तो अब एडजस्टमेंट की क्या जरूरत है, तो चलिए आप लोग को बताते हैं कि एक करके कि एडजस्टमेंट को कैसे किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों, आपको कार के अंदर कैसे बैठते हैं ये चीज़ सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कार के अंदर कैसे बैठा जाता है और कार के अंदर से कैसे निकला जाता है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि ये वो बहुत ही मतलब गजब सा तरीका आप बता रहे हो कि कार के कैसे बैठते हैं और कार से कैसे निकलते हैं, ये भी कोई सिखाने वाली चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ड्राइवर्स ये गलती करते हैं कि कार्स पे बैठते वक्त वो गलत तरीका से बैठते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग सिखाने वाला है कि कार के अंदर कैसे बैठा जाता है और कार से कैसे निकला जाता है। तो दोस्तों, अब आप लोग बताने वाले हैं कि कार के सीट को कैसे एडजस्ट किया जाता है और स्टीयरिंग को कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद आप लोग बताएंगे कि कार के ORVM मिरर और IRVM मिरर को कैसे एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कैसे सीट बेल्ट को बांधा जाता है और ये वाला जो देख सकते हैं हेडरेस्ट, उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है, तो ये चीज़ आप लोग को बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके आप लोग दिखाने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको गेट को खोलिएगा, ठीक है। गेट को खोलते ही आप अंदर जिस तरह बैठते हैं उस तरह हम लोग किस तरह रेगुलर बैठते हैं, देखिए। पहले हम लोग अपने पाँव को अंदर डालते हैं, उसके बाद अंदर हम लोग अपने हिप्स को डालते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है दोस्तों, ठीक है। तरीका क्या है सही, ये आप लोग बताने वाले हैं। सबसे पहले आप गेट को खोलिएगा, उसके बाद अपने शरीर का मतलब बॉडी का हिप्स को अंदर डालिए सीट पे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे पाँव को अंदर डालिए। ये है प्रॉपर तरीका बैठने का, मतलब कार के अंदर एंट्री होने का। और निकलने का तरीका इसी प्रकार है। सबसे पहले आप पाँव को बाहर निकालिए, उसके बाद अपने बॉडी को बाहर निकालिए, मतलब हिप्स को बाहर निकालिए। ये तरीका होता है गाड़ी के अंदर बैठने का और निकलने का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंग्रेस और इग्रेस। इग्रेस मतलब निकलना और इंग्रेस मतलब कार के अंदर बैठना। तो दोस्तों, आप जैसे सीट में बैठते हैं तो उसके बाद आपको सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लीवर रहता है इसको उठाने के लिए, ठीक है। इसको जब तक आप उठाइएगा नहीं, तब तक इस सीट को आगे पीछे नहीं कर पाइएगा। तो उठा के क्या करना है दोस्तों, ये वाला उठा लिया हम, अब इधर दिखाइए थोड़ा कैमरा में। अब उसके बाद आपको एक हाथ से उठाना है ये चीज़ को, ठीक है, और स्टेयरिंग को पकड़ना है, ना कि यहाँ वहाँ पकड़ के, ठीक है। स्टेयरिंग को पकड़ के अपने हिसाब से सीट को आगे पीछे करना है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से सीट को आगे पीछे कर रहे हैं। तो बिल्कुल इतना आगे करना है कि आपके पाँव ज़्यादा सटना भी नहीं चाहिए यहाँ पे, देखिए ये ज़्यादा पाँव सटना भी नहीं चाहिए, मतलब अच्छे तरह से यहाँ पे थोड़ा सा जगह होना चाहिए। और आप इतना अच्छे तरह से होना चाहिए कि यहाँ से आप अच्छी तरह से आप क्लच और ब्रेक को दबा सकते हैं। ये चीज़ को सबसे पहले आपको एडजस्ट करना होगा दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों, और एक चीज़ होता है कि कई कार में यहाँ पे सीट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक लीवर रहता है इसी प्रकार, तो उसे आप कार के सीट को ऊपर नीचे कर सकते हो। तो अपने हिसाब से कार के सीट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे इस कार पे नहीं है, जो भी कार में रहता है सीट को ऊपर नीचे करने का ऑप्शन, तो यहाँ से आप लोग अपने सीट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब क्या करना है, ये वाला जो सीट है, पीछे वाला सीट मतलब पीछे का जो बैकरेस्ट है, इसको अच्छी तरह से सेट करना है। कई बार क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे ड्राइवर बिल्कुल इस तरह से बैठते हैं चिपक के, तो इस तरह से चिपक के नहीं बैठना है स्टीयरिंग के सामने, बहुत ज़्यादा स्टीयरिंग के सामने भी नहीं रहना है और बहुत ज़्यादा स्टीयरिंग से दूर भी नहीं रहना है। तो आपको बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट करना है। जैसे देखिए, अभी ये सीट क्या है, बिल्कुल 90 डिग्री पे है, तो हम यहाँ पे बैठे हैं इस तरह से, तो यहाँ बिल्कुल यहाँ पे गैप रह जा रहा है, ठीक है। और हम अच्छी तरह से बैठ भी नहीं पाते, मतलब मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। तो यहाँ से आप इस तरह से इस लीवर को उठा के, ठीक है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हल्का सा पीछे होना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा जो पीछे का जो पोजिशन है सीट का, तो हमारा जो पीछे का पोजिशन है शरीर का और सीट जो है बिल्कुल आसानी से पूरा चिपका होना चाहिए, ठीक है। देखिए, सीट और शरीर हमारा क्या हुआ, पूरा बिल्कुल चिपका हुआ है। तो यहाँ पे अब अच्छी तरह से आप बैठ गए हैं। तो अब दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, ये हेडरेस्ट को आपको अच्छी तरह से एडजस्ट करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं बिल्कुल मतलब आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, किस तरह से एडजस्ट करना है, किस तरह से एडजस्ट करना है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक नॉब है, इसको दबा के आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को सिखाने वाले कि स्टीयरिंग को कैसे एडजस्ट किया जाता है। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि स्टीयरिंग के नीचे आपको एक नॉब मिलेगा, जिसको कि नीचे करने से आप स्टीयरिंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आपको ऊपर नीचे कर लेना है, ठीक है। आपको जहाँ पे अगर आपका हाइट कम है तो आप नीचे रखिएगा, ठीक है, और अगर आपका हाइट ज्यादा है तो ऊपर भी रख सकते हैं। तो अपने हिसाब से आपको जहाँ पे कंफर्टेबल लगेगा वैसे ही रखना है। और उसके बाद दोस्तों, जब कभी भी इसको लॉक को अनलॉक कीजिएगा, तो इसको फिर से अगर आप नीचे भी कीजिएगा तो फिर से इसको लॉक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको ऊपर रखना है तो फिर भी आप लॉक कर लीजिएगा। तो ये रहा स्टीयरिंग को एडजस्ट करने का तरीका।
तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग सिखाने वाले हैं कि स्टीयरिंग को किस तरह से पकड़ा जाता है। स्टीयरिंग को हमेशा यहीं पे पकड़िएगा, मतलब 10:10 में यहाँ पे एक नॉब से देख सकते हैं, यहाँ पे एक नॉब सभी बना हुआ है, यहीं पे आपको स्टीयरिंग को पकड़ना है और सीट को अपने हिसाब से आगे पीछे कर लेना है। और आपको देखना है कि ये एल्बो जो है ज्यादा मतलब सीधा नहीं होना चाहिए। सीधा होने से क्या होगा, आप कटिंग नहीं कर पाएगा स्टीयरिंग को, मतलब आपको थक भी जाएगा, जब गाड़ी को चलाइएगा दूसरों का थकावट महसूस होगा। तो एल्बो नीचे रहने से क्या होगा, आप रिलैक्स फील कीजिएगा और आराम से आप कार को चला सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आप लोग सीखना पड़ेगा कि कार के ओआरबीएम मिरर्स को, मतलब दोनों साइड के ओआरबीएम मिरर को कैसे एडजस्ट करते हैं और आईआरबीएम मिरर को कैसे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इधर से दिखाते हैं कि किस तरह से एडजस्ट किया जाता है। राइट हैंड देख सकते हैं दोस्तों, हर एक कार में आप इस तरह से दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट। तो यहाँ से आप बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप राइट की ओर घुमाइएगा तो आपका राइट का ओआरबीएम मिरर आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से अगर हम इधर करेंगे मतलब इस साइड, तो आपका मिरर जो है इस साइड आएगा। तो देखिए, मतलब इस नॉब को आप जिधर कीजिएगा उधर आपका मिरर होगा। ठीक है, तो पीछे वाला, तो ओआरबीएम मिरर को किस तरह एडजस्ट करना है ये चीज सबसे पहले आपको सीखना है। तो देखिए, कार का जो बॉडी है, पिछला हिस्सा है, वो थोड़ा सा दिखना चाहिए। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा दिख रहा है और मतलब बीच में होना चाहिए, बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए। तो ये प्रॉपर तरीके से हम एडजस्ट कर लिए हैं। ठीक है, और अब इधर वाला एडजस्ट करेंगे तो यहां से सेम इसी तरह करना है। देखिए, पीछे वाला बॉडी हल्का सा दिखना चाहिए, ये एडजस्ट हो गया। अब आईआरबीएम मिरर को एडजस्ट करना है। तो काफी बार लोग क्या करते हैं कि इस तरह से रहता है, ठीक है, इस तरह से रहता है हल्का, या इस साइड से इस तरह रहता है, इस तरह रहता है। तो बिल्कुल आपको अच्छी तरह से एडजस्ट करना है, मतलब पीछे वाला जो शीशा है, ठीक है, पीछे वाला जो विंडशील्ड है वो प्रॉपर दिखना चाहिए, मतलब पूरा दिखना चाहिए। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा मिरर पीछे वाला दिख रहा है। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से एडजस्ट हो चुका है। तो दोस्तों, अब लास्ट पॉइंट है सीट बेल्ट को कैसे बांधते हैं। तो बहुत सारे हमारे भाई लोग नहीं जानते हैं कि सीट बेल्ट को कैसे बांधा जाता है। वो कई बार तो सीट बेल्ट को लगा लेते हैं लेकिन उनको खोलने में काफ़ी दिक्कत होता है, क्योंकि वो न्यू बिल्कुल रहते हैं कार्स पे, जिनके कारण उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है। कई बार तो मैंने देखा कि सीट बेल्ट वो लगा लिया है लेकिन वो खोल नहीं पा रहा है। तो चलिए दोस्तों, क्या प्रॉपर तरीका है सीट बेल्ट लगाने का वो आपको बताने वाला है। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको खींचना है सीट बेल्ट को, ठीक है, और एक हाथ, ये आपको राइट हैंड इस सीट बेल्ट के अंदर डालना है, मतलब ये जो दोनों बेल्ट है उसके अंदर आपको डालना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे लाके यहाँ पे जो पॉइंट है, ये वाला जो नॉब है, इसके अंदर डालना है। ठीक है, तो इस तरह से डालना है, तो बिल्कुल ये लग गया। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैं सीट बेल्ट को किस तरह से लगाया हूँ। देख सकते हैं, ये हाथ इसके अंदर, एक बेल्ट के अंदर, और ये वाला जो बेल्ट है यहाँ पे है, ठीक है, और ये वाला बेल्ट यहाँ पे है, और एक हाथ इधर है। तो ये रहा प्रॉपर तरीका सीट बेल्ट बांधने का। अब इसको खोलते हैं कैसे दोस्तों, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रेस बटन लिखा हुआ है, मतलब इसको प्रेस करते ही ये आपका सीट बेल्ट खुल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम प्रेस करेंगे अभी, ठीक है, प्रेस किए खुल गया। तो आप लोग दोस्तों सोच रहे होंगे कि सीट बेल्ट क्यों बांधना जरूरी है, तो चलिए आपको दिखाते हैं सीट बेल्ट बांधना क्यों जरूरी होता है। देखिए दोस्तों, अभी हम सीट बेल्ट लगाए हुए हैं, ठीक है, और कई बार आप लोग सोच रहे हैं कि सीट बेल्ट तो लगा लिया है लेकिन देखिए ये तो यहाँ पे इस तरह से हो जा रहा था, क्या फायदा सीट बेल्ट बांधने का। अगर गाड़ी कहीं धक्का हुआ अगर लगा, या कहीं अचानक से ब्रेक मारे, तो हम लोग तो बिल्कुल इस तरह से हो ही जा रहे हैं। तो सीट बेल्ट लगाने का क्या फायदा होता है, तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि सीट बेल्ट बांधने का क्या फायदा होता है। देखिए, आप काफ़ी स्पीड में चलते हैं कार, अचानक से कोई भी चीज़ टकरा गया, अचानक से ब्रेक मारे, तो आप आगे की ओर नहीं चला जाइएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है दोस्तों, जैसे ही वहाँ पे कोई भी स्पीड सेंसर है, ठीक है, जैसे अचानक से ब्रेक लगता है तो ये सीट बेल्ट इस तरह से लॉक होता है। देखिए, अगर हम झटका से इसको करेंगे तो ये बिल्कुल अटक जाएगा। देखिए यहाँ, देखिए अटक गया, मतलब इजीली कर रहे हैं तो ये बेल्ट पूरा आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम झटका से जैसे करेंगे, देखिए पूरा झटका लगा कर रहे हैं, तो देखिए आ गया, अब ये लॉक हो गया, ये सीट बेल्ट यहाँ पे लॉक हो गया। तो आप यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से हो जाइएगा, मतलब आपके सेफ रहिएगा, मतलब आप विंडशील्ड से नहीं टकराइएगा और स्टीयरिंग से भी आपका हेड नहीं टकराएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी दोस्तों कमेंट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। ठीक है, और पूरा सीरीज आने वाला है दोस्तों, जो कभी भी कार को चलाए नहीं है या बाइक भी नहीं चला एटलीस्ट आता है उसको, वो भी कार चला सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरा सीरीज को देखिए, पूरा सीरीज आने वाला है दोस्तों, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि पूरा सीरीज के साथ हम वीडियो बना रहे हैं, शुरुआत से किस तरह से ड्राइविंग आपको सीखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।